लद्दाख में चीन से सटी सीमा पर अब हिंद की सेना आसमान से दुश्मनों पर नजर रखने जा रही है। एलएसी की ऊंची पहाड़ियों पर अपनी निगरानी क्षमता बढ़ाने के मकसद के साथ सेना अब अपनी ड्रोन शक्ति बढ़ाने की कोशिश में जुटी है। इस मकसद के साथ ही लद्दाख में ड्रोनथॉन 2 कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में स्वदेशी ड्रोन कंपनियां जो है वो अपने अपने ड्रोन की काबिलियत साबित करनी है। ऊंची उड़ान में सर्विलांस के दौरान सभी पैमानों पर खरा उतरने वाले ड्रोन को सेना में शामिल किया जा सकता है। सरहदों की निगरानी के ये वो हवाई सिपह सालार हैं जिनकी निगाहों से दुश्मन की कोई हरकत बच नहीं सकती। लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों के बीच इन दिनों ये ड्रोन अपनी काबिलियत की नुमाइश कर रहे हैं। ऊंची पहाड़ियां, पथरीले रास्ते, सर्दियों में बर्फ से ढकी चोटियां और हर कदम पर कुदरत की चुनौती। लद्दाख में चीन से सटे एलएसी पर सरहदों की हिफाजत में जुटी सेना को रोजाना इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ना आसान नहीं, पथरीले रास्तों पर सामान्य गाड़ियां नहीं चल सकती। ठंड के दिनों में तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। कई महीने ये पहाड़ बर्फ की मोटी चादर से ढके रहते हैं। ऐसे मुश्किल हालात में सेना के जवान इन ड्रोन्स के जरिए दिन रात सरहद की हिफाजत के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। सेना में ड्रोन्स की इसी ताकत को बढ़ाने के मकसद से लद्दाख के वारी ला में सेना ने हिम ड्रोनाथन 2 कंपटीशन का आयोजन किया है। हिम ड्रोनाथन 2 में देश की 25 से ज्यादा ड्रोन निर्माता कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। ये स्वदेशी ड्रोन कंपनियां ऊंचाई वाले इलाकों में अपने ड्रोन की काबिलियत का प्रदर्शन कर रही हैं। इस कंपटीशन में शामिल सभी ड्रोन की अलग अलग खूबियां हैं। कुछ ड्रोन हजारों फीट की ऊंचाई से दुश्मन पर नजर रख सकते हैं, तो कुछ छोटे ड्रोन तेज रफ्तार और सटीक उड़ान में एक्सपर्ट हैं। वारी ला में कल से शुरू 2 दिन के इस कंपटीशन में शामिल कंपनियां अपने ड्रोन को 4 से 5 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ाकर सेना के लिए इसकी उपयोगिता साबित कर रही है। ज्यादा विंड एरियाज में है ना, बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस रहता है एंड इसका एंड्यूरेंस, दैट इज जितना टाइम ये हवा में रह सकता है ना, ये तो अभी 2 घंटे के लिए कंटिन्यूस उड़ सकता है और इट कैन टेक विंड्स ऑफ अप टू 80 km/h एंड बी स्टेबल। एंड इसका जो कैमरा है इट कैन लुक एनीथिंग 8 किलोमीटर्स अवे, तो हम बॉर्डर के थोड़ा पास है तो इट कैन गो अप, इट कैन स्काउट द बॉर्डर एज वेल। एंड इस पर डे कैमरा नाइट कैमरा दोनों है। सो आर एंटायर एम इज ऑल्सो टू फैसिलिटेट इन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, दैट इज जब पीपल माइट गो मिसिंग इन एक्शन और एनीथिंग, एंड दिस डिफिकल्ट टेरेन में हम जाके उन सर्चिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इन दैट सिचुएशन द कैमरा ऑन द ड्रोन विल बी वेरी हेल्पफुल। एंड इसका लॉजिस्टिक्स भी है, दैट इज ये अभी 15 किलो का वेट 1 किलोमीटर ऊपर के एल्टीट्यूड तक पहुंचा सकता है। दैट इज हम लद्दाख में स्टार्ट करें तो दीज ड्रोन्स कैन गो अप टू सियाचिन एंड डिलीवर गुड्स एंड कम बैक एज वेल। इस प्रतियोगिता में सर्विलांस ड्रोन, लाइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन, लॉजिस्टिक ड्रोन, स्वार्म ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पेलोड वाले ड्रोन और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस ड्रोन की उड़ान का परीक्षण किया जा रहा है। इस कंपटीशन में शामिल ड्रोन्स को परखने के लिए कुछ चुनौतियां दी गई हैं। इन सभी मापदंड पर खरा उतरने वाले ड्रोन्स को आने वाले वक्त में सेना का सिपह सालार बनने का गौरव हासिल हो सकता है। ये कंपटीशन ड्रोन निर्माता कंपनियों के लिए भी अपने ड्रोन की ताकत परखने का मौका दे रहा है। This drone helps Indian Army or the defense of India to surveillance the area to give them the full video of surveillance of the location of the border areas, so that they can continue on their further missions by utilizing this surveillance video. They can take collective calls based on that. चीन से सटी सीमा यानी एलएसी की कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है। इस विशाल सीमा की निगरानी में सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ की भौगोलिक संरचना। ड्रोनाथन कंपटीशन की मदद से सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली चोटियों से लेकर
हिमाचल की दुर्गम पहाड़ियों में आने वाली सेना की चुनौतियों का हल ढूंढा जा रहा है। इन स्वदेशी आधुनिक ड्रोन्स से लैस होकर सेना एलएसी के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रख सकती है। ड्रोन्स की इस चाक चौबंद निगरानी से देश के दुश्मन हिंद की सरहदों की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात भारतीय और अमेरिकी सेना के संयुक्त युद्धाभ्यास की, जो राजस्थान के बीकानेर में चल रहा है। करीब दो हफ्ते तक चलने वाले इस ज्वाइंट एक्सरसाइज में दोनों सेनाएं अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रही हैं। इस संयुक्त अभ्यास का मकसद आतंकवाद विरोधी मिशन के दौरान दोनों सेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ाना है। तपते रेगिस्तान में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की प्रदर्शनी चल रही है। दुश्मनों की साजिशों को नाकाम करने के लिए रेतीली जमीन पर वीरों के अडिग कदम की आहट सुनाई दे रही है। दुश्मन सेना की तरफ से गोलियों की बौछार के बीच एक एक गोली का जवाब देने का मादा रखते हैं भारतीय और अमेरिकी सेना के जवान। करीब 40 किलोमीटर तक M777 लाइट होविट्जर तोप से दागे जाने वाले 155 mm के गोलों से दुश्मन सेना का बचना नामुमकिन है। नंबर 5 फायर। ये तस्वीरें राजस्थान के बीकानेर में मौजूद महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की है, जहां भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है। Better rip potato to it. Bigger, longer. Bigger. No, no, longer. Let it fucking. There we go. There you go. Whole thing, whole thing. Yeah. All right. We get this piece of thing. Beautiful. दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे को युद्ध नीति समझा रहे हैं। दशकों से दुश्मनों से निपटने के अपने अनुभव को एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। भारत की तरफ से राजपूत रेजिमेंट के 600 जवान के साथ अमेरिकी सेना के 600 जवान भी सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें अमेरिकी सेना के 11वें एयरबोर्न डिवीजन की 124 बटालियन के सैनिक शामिल हैं। हर सीमा की अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं। पाकिस्तान से सटी भारत की पश्चिमी सीमा का बड़ा हिस्सा रेतीला है। अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए भारतीय सेना जहां कठिन हालात में मजबूती से तैनात रहती है, 50 डिग्री तापमान के बीच खाल जला देने वाली गर्मी तक सहती है, उस पर धूल भरी आंधी, रेतीले बवंडर के बावजूद हमारे रणबांकुरे लगातार डटे रहते हैं। भारतीय सेना को ऐसे मुकाबलों का लंबा अनुभव है और अब यही गुण अमेरिकी सेना के जवान भारतीय सैनिकों से सीख रहे हैं। नौ सितंबर से शुरू हुए इस युद्धाभ्यास का समापन 22 सितंबर को होना है। इस दौरान आतंकी खतरों से निपटने के साथ साथ आत्मरक्षा के लिए भी नए नए गुण सिखाए जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के दौरान हम लोग कैसे किस प्रकार से ज्वाइंट ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं, साथ में कैसे लाइव फायरिंग के दौरान एक इन्फेंट्री बटालियन मूव करती है और अपना कार्रवाई करती है, उसके बारे में सीखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि दैट जो एक्सरसाइज है वो हमारी रिलेशनशिप जो कि हमारे दोनों देशों की उसको फर्दर सोलिडिफाई करेंगे
और हमारी दोनों आर्मी को इंटर ऑपरेट कैसे ऑपरेट कर सकते हैं एक साथ मिलकर, उसके बारे में सिखाएंगे। इस साल ज्वाइंट एक्सरसाइज का 20वां संस्करण है। साल 2004 से भारत और अमेरिका इस सालाना संयुक्त युद्धाभ्यास की बारी बारी मेजबानी कर रहे हैं, ताकि एक दूसरे के सैन्य अनुभव के आधार पर आतंकवादियों के साथ साथ दुश्मनों के सैन्य ऑपरेशन को भी नाकाम किया जा सके। बीकानेर से कुलदीप चारड़ के साथ वीरा रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब खबर दिल्ली में जारी मिशन जिंदगी की कर लेते हैं। दिल्ली में करोल बाग के बापा नगर इलाके में एक मकान का हिस्सा ढह जाने के बाद मलबे से 12 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इमारत का कुछ हिस्सा ढह गया। हादसा होने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची और तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। उसी वक्त की आप तस्वीरें देख रहे हैं। रेस्क्यू टीम्स यहां पर पहुंची हैं और रेस्क्यू अभियान को अंजाम दिया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में सहायता के लिए 5 गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी। मलबे में फंसे तमाम लोगों की तलाश और उन्हें निकालने का काम यहां पर लगातार जारी है। और बताया जा रहा है कि मकान पहले से ही जर्जर हालत में था, बारिश के बाद वो भर भरा कर गिर पड़ा। ये घटना आज सुबह 9:11 के करीब हुई। इसके बाद फायर ब्रिगेड और प्रशासन को तुरंत सूचित कर दिया गया। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने पहुंचते ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। 12 लोगों को मलबे से बचाकर निकालने में इनको कामयाबी भी हासिल हो गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें सुबह सामने आई हैं। करीब 9 के आसपास की तस्वीरें बताई जा रही हैं। दिल्ली के करोल बाग की ये घटना है, जहां पर एक मकान जो बताया जा रहा है कि जर्जर हालत में था, बारिश जैसे ही पड़ी है और मकान जो है वो भरभराकर नीचे गिर गया। 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तमाम टीम्स मौके पर पहुंची हुई हैं। रेस्क्यू टीम्स की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिस वक्त इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। करीब 9 के आसपास प्रसाद नगर थाने में इन्फॉर्मेशन मिला रिलेटेड टू अ बिल्डिंग कोलैप्स, और ये बापा नगर एरिया है जो पीएस प्रसाद नगर के एरिया में पड़ता है, वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिला था। और इसमें करीब यहाँ पे एक 20 square yards के आसपास का एक बिल्डिंग था, 20 square yards के एरिया में बना हुआ एक बिल्डिंग था जो कि कोलैप्स कर गया है। ये बिल्डिंग बता रहे हैं कि काफ़ी पुराना था, इसका एग्जैक्ट डिटेल्स हम सर्टन कर रहे हैं। अभी तक जो है करीब 8 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अभी भी कुछ लोग और ट्रैप होने का आशंका जताया जा रहा है, जिसके लिए लोकल पुलिस और बाकी सभी एजेंसीज मिलकर इस पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। और चलिए हिमांशु हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, सबसे पहले तो अभी का अपडेट आपसे लेना चाहेंगे, 8 संख्या है जिनको निकाल लिया गया है या वो संख्या बढ़कर 12 हो गई है, इसके बारे में बताएं। बारह हो गई है शगुफ्ता, 12 लोगों को निकाल लिया गया है मलबे से, क्योंकि लगातार जो है वो मैन्युअली एक एक करके ईंट को हटाने का काम किया जा रहा है। जो मलबे हैं ऊपर से उनको हटाने का काम किया जा रहा है, और तकरीबन चूंकि जगह काफी छोटी है, जो पूरी जगह है वो जो टोटल एरिया है वो 20 square yards के आसपास का है, तो उसमें 10 से 15 लोग ही काम कर रहे हैं। और चूंकि अंदर गलियां बहुत सक्रिय है जहां पर ये बिल्डिंग गिरी है, तो किसी तरीके की मशीनरी तो वहां तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए सिर्फ कटर, जो अगर कोई बड़ा टुकड़ा, अगर कोई पत्थर का बड़ा टुकड़ा है तो उसे काटने के लिए एक हाथ से चलने वाला जो कटर है उसका इस्तेमाल करके एक एक करके एक एक ईंट हटा करके जो एनडीआरएफ की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम, दिल्ली फायर की टीम लगातार जो पिछले 4-5 घंटों से काम कर रही है, तो अब तक 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सबसे जो बड़ी बात है, जो गनीमत की बात है, कि जिन लोगों को निकाला गया वो ठीक कंडीशन में थे और उन सभी को हॉस्पिटल भेज दिया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन फायर सर्विस का और दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये जो रेस्क्यू काम है तब तक चलता रहेगा जब तक पूरे मलबे को हटा नहीं लिया जाता। जी हिमांशु, मेरा सवाल आपसे एक और ये कि आसपास जो लगती हुई इमारतें हैं, आई एम श्योर कि इस इमारत को अगर खतरा था तो बाजू में जो इमारतें मौजूद हैं, जो लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भी अभी कोई एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं या फिर नहीं, उनको कहा गया है कि आप इवैक्यूएट कर दीजिए या फिर नहीं? देखिए, इस तरीके की कोई कदम दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं उठाया जाएगा, ये निगम का काम है। निगम अगर आता है और वो अगर सर्वे करता है तो ये निगम का काम है कि किस तरीके से चीजें हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनका पहली चीज है सभी को सिक्योर रहते हुए जो पूरा
ऑपरेशन है वो पूरा ऑपरेशन सही तरीके से हो जाए, जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सही तरीके से हो जाए। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ आपसे कुछ देर पहले लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन यहाँ से पुलिस ने सबको इस पूरी गली को खाली करवाया। अब आप देखिए यहाँ पर मकान आप देखिए कितने एक दूसरे से सटे हुए हैं और इस वजह से आगे गलियां और पतली हैं, तो ऐसे में रेस्क्यू काम में दिक्कत हो ही रही है और साथ ही साथ बारिश भी शुरू हो गई है। तो कोशिश है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए। हाँ, इतना जरूर किया गया कि जो आसपास के छतों पे, जैसे हम भी बगल की एक छत पे ही मौजूद थे जहां से हम पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन दिखा रहे थे, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने उन सभी छतों पर जितने लोग भी मौजूद थे उन छतों से सबको हटा दिया, क्योंकि बिल्डिंग्स आसपास की जो है वो काफी पुरानी है, उनको सेफ नहीं माना गया और इस वजह से सबको छतों से हटा दिया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल यहाँ से तकरीबन कुछ ही दूरी पर है जो बिल्डिंग गिरी है। ये बताएं कि अभी कितने लोगों के फंसे होने की आशंका और जताई जा रही है, अभी कितने लोग और मलबे में फंसे हो सकते हैं? इसकी एग्जैक्ट संख्या नहीं बताई जा पा रही है पुलिस की तरफ से भी, क्योंकि उनका कहना था कि जो लोग अंदर मौजूद थे उनका यह कहना था 12 से 14 या 10 इतने लोग हो सकते हैं, यानी कोई एग्जैक्ट फिगर पुलिस को नहीं दी गई। अब तक 12 लोग निकाल लिए गए हैं, तो अब इसकी संभावना कम है कि अंदर कोई हो, लेकिन हो सकता है कि एक दो लोग अंदर हो, लेकिन पुलिस जब तक एक एक ईंट वहां से नहीं हटा लेगी तब तक ये रेस्क्यू काम चलता रहेगा। पुलिस का कहना है कि चूंकि लोगों के जो लोग अंदर मौजूद थे उनका यही कहना था कि 12 के आसपास ही लोग थे, एक दो कम या एक दो ज्यादा, तो 12 लोग तो निकाल लिए गए हैं, तो लेकिन एग्जैक्ट फिगर पता नहीं था, तो इसलिए जब तक पूरा मलबा हट नहीं जाएगा तब तक साफ नहीं हो पाएगा कि अंदर कुछ और लोग हैं या नहीं। जी चलिए हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और गनीमत वाली अच्छी बात यह है कि 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी डिटेल के लिए। और चलिए अब आपको उत्तराखंड की तरफ लिए चलते हैं। उत्तराखंड की पर्यटन नगरी नैनीताल में रेस्क्यू ऑपरेशन की एक खास खबर आई है। नैनीताल में झील में गिरी महिला को बचाने का लाइव वीडियो आया है। नैनीताल में एक महिला को बोटिंग कर रहे पर्यटक और नाविक ने झील में डूबते हुए देखा, तो उन्होंने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से उसे बचा लिया। इस दौरान ये पूरा वाकया मोबाइल कैमरा में पर्यटकों ने कैप्चर कर लिया। ये महिला नैनी झील में गिर गई थी और खुद को बचाने का प्रयास लगातार कर रही थी। उसकी चीख पुकार सुनकर बोट चला रहा युवक तत्काल अपनी नाव को महिला के पास ले गया, उसे बचा लिया। ये पूरा वीडियो बोटिंग कर रहे शख्स ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो तेजी के साथ लगातार वायरल हो रहा है। अब लोग नाव चला रहे युवक की सराहना कर रहे हैं। ये वीडियो रविवार 15 सितंबर का है, जब नैनीताल के ठंडी सड़क स्थित पाषाण देवी मंदिर के पास से महिला झील में गिर गई, उसके बाद उसका रेस्क्यू कर लिया गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, नैनी झील की तस्वीरें हैं, जिस वक्त बोटिंग कर रही ये महिला जो है वो झील में गिर गई, लेकिन पीछे से इस युवक ने जैसे ही इस महिला को गिरे हुए देखा सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए उसके पास तुरंत पहुंचा, अपनी बोट लेकर सुरक्षित उसको बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से सफलतापूर्वक इस महिला की जान बचा ली गई। यहाँ कर क्या रही रहा? और चलिए अब बात कुछ और खबरों की करते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से मिल रही है, जहां विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 5 घंटे मतदान पूरा हो चुका है। बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में 24 सीटों पर शुरुआती 4 घंटों में 11 बजे तक 26.72% मतदान हुआ है। हम आपको बता दें अलग अलग इलाकों में कितनी वोटिंग हुई है। डोडा की बात करें तो 32.2, किश्तवाड़ में 32.69, इसके साथ ही शोपियां में 25.96 के लगभग मतदान हुआ है, जबकि अनंतनाग में 25.55, कुलगांव में 11 बजे तक 25.95% मतदान हुआ है। तो अभी तक अलग अलग इलाके का जो वोटिंग परसेंटेज है वो हम आपको बता रहे हैं। लगातार मतदान चल रहा है, शाम 6 बजे तक जारी रहेगा, 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में अभी तक का जो परसेंटेज देखा जा रहा है उसे अच्छा ही कहा जाएगा, क्योंकि लगभग हर एक इलाके में 25% के ऊपर ही वोटिंग हुई है। अब चुनाव से जुड़ी ये 6 तस्वीरें भी इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। वोटरों में किस तरीके का उत्साह है, लंबी कतारें लगी हुई हैं, हर आयु वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं
मतदान करने के लिए लंबी कतारें ये बता रही हैं कि जम्मू कश्मीर इस बार मतदान के लिए कितना उत्साहित है। सुबह से ही घरों से बाहर लोग निकल रहे हैं और उसी से जुड़ी ये तमाम तस्वीरें हैं। देखिए जेएनके में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। जम्मू कश्मीर को चुनाव का मौका 10 साल के बाद मिला है, लिहाजा मतदाताओं में चुनाव को लेकर उत्साह है। सुबह से ही बड़ी तादाद में लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचना शुरू हो गए। उस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई कि लोग कितने उत्साहित हैं और लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर शिरकत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मतदान केंद्रों पर इन तमाम लोगों के लिए खास इंतजाम भी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 फेज में मतदान होना है। विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में आज 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसमें 23,27,000 वोटर्स शामिल होंगे। इस फेज में मुफ्ती परिवार का गढ़ रही बिजबेहरा सीट भी शामिल है। यहां पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा पहली बार चुनाव मैदान में उतरी हैं। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण में 25 सितंबर और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर की जनता विधानसभा चुनाव में शामिल हो रही है। 2014 चुनाव में पीडीपी ने सबसे ज्यादा 28 और बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी। दोनों पार्टियों ने मिलकर अपनी सरकार बनाई थी। इससे पहले कई इलेक्शन कवर किए हैं और कोशिश यही होती थी कि कहीं जाके जो है लाइंस ढूंढे। खासकर साउथ कश्मीर और श्रीनगर की बात करें तो ज्यादातर बायकॉट ही रहता था, कम वोटिंग परसेंटेज रहती थी। लेकिन आज हम बिजबिहारा में हैं और इसे आप देख सकते हैं, लंबी लंबी कतारें। 3 पोलिंग स्टेशन है जहां पे मैं हूं और जैसे आपने कहा ये हॉट सीट है, इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती जो कि महबूबा मुफ्ती की बेटी है अपना जो इलेक्शन का डेब्यू कर रही है यहां से और काफी टफ फाइट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साइड से। लेकिन उससे हटके अगर आप सिर्फ जो परसेंटेजेस होंगी आज उसकी बात करें तो ये आपको एक जो है इंडिकेशन देगा कि कितने लोग जो है बाहर आ चुके हैं। सीधा हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम? बिलाल अहमद खांडे। बिलाल साहब पहली बार वोट दे रहे हैं? नहीं पहली बार नहीं, दो तीन बार डाल चुके हैं जी। इस बार बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स सुबह से ही लग रहा है, लंबी कतारें हैं, क्या वजह है? जी आज तो बिना खौफ आ रहे हैं सभी, हम सभी अमन चाहते हैं और इंशाल्लाह पीडीपी की जीत होगी। तो क्या मुद्दे हैं, क्या चीज लेके आप वोट जो है डाले, क्या भरोसा लेके आए हैं? भरोसा तो यही है कि बस अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पीडीपी की है तो इंशाल्लाह अमन होगा और तरक्की होगी। बस बेरोजगारी मसला है, बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी, यही उम्मीद है हमको। जी जी, तो जैसे आपने सुना, आपका नाम? गुलजार अहमद मोगलू। गुलजार साहब पहली बार वोट दे रहे हैं, इससे पहले दे चुके हैं वोट? ना मैंने दिया है सर। दिया है तो इस बार क्या उम्मीद लेके आए हैं, क्यों वोट दे रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? देखो सर, हम इसे वोट त्रावन से उम्र ही नेशनल से त्रावन वोट है, कैसे 7 सीट नेशनल से, कैसे गवर्नमेंट को पन्न हमसाय आसन। ठीक ठीक, तो इनका कहना है कि हम जो है वोट बेखौफ डाल रहे हैं, इस बार कोई डर का माहौल नहीं है। मुजफ्फर साहब वोट आप डालने निकले हैं, क्या उम्मीद लेके निकले हैं, क्या मसले हैं आप? उम्मीद यही है कि आज मसले बहुत सारे हैं तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे बदलाव चाहते हैं। क्या बदलाव चाहते हैं? हम बदलाव चाहते हैं कि हमारा वोट जो पिछली बार हमने सोल्ड किया गया यहाँ से, तो हम सोच रहे हैं कि इस बार हमारा वोट जो है एक सही नुमाइंदे को जाए और यहाँ से हम अच्छे नुमाइंदे को चुने। क्या मुद्दे क्या है, मसले क्या है, क्या आप चाहते हैं कि ये वोट देख के उनका हल क्या होना चाहिए? यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे अमन हो और यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है, यहाँ पे मतलब आप बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। दक्षिणी कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं और यही तस्वीरें हैं, हर जगह आपको ऐसे ही कतारें मिल रही हैं और ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था हम गए, बात की लोगों से, हर कोई ये मांग कर रहा था कि अब असेंबली इलेक्शन होने चाहिए, उनको अपना प्रतिनिधि जो है चुनने की इजाजत होनी चाहिए। तो एक माहौल बहुत बढ़िया बन चुका है, एंथुजियाज्म है, वाइब्रेंट जो माहौल है और यही आपको जो है दिन भर आज देखने को मिलेगा। लोगों का काफी आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है और मुझे विश्वास है यहाँ के आम लोगों पे कि वो किश्तवाड़ की बेटी जो उनकी अपनी बच्ची की तरह है उनको पूरा आशीर्वाद देंगे, पूरा सहयोग देंगे। और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास का, उसको अपनाते हुए किश्तवाड़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत को है निश्चित करें।
इन इलेक्शंस की अहमियत कुछ इस तरह से है कि यहाँ की जनता जो है वो अमन चाहती है, शांति चाहती है, सुकून चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है। तो जो कि आप देख ही रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ये इलेक्शन किश्तवाड़ के प्रत्येक जितने भी व्यक्ति हैं, ये इलेक्शन उन सब लोगों का है, शगुन परिहार का नहीं, ये यहाँ के आम जनमानस का इलेक्शन। मुझे तो पहले इस बात की खुशी है कि मेरा फर्स्ट वोट है, मैंने अपना वोट बहुत सोच समझ कर डाला है, और मैंने जिसको भी डाला है मैंने पहले उसमें उसके बारे में सोचा है, समझा है, फिर डाला है। और तो मैं एक बात बोलता हूँ, जो वोट जो अभी ऐसा बहुत सा यूथ है कि जो बाहर है और वो वोट देने नहीं आ रहा है, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि वो भी आए वोट दें, अपने उसका नेता चुने। आज ये मेरा पहला असेंबली वोट है, तो हम चाहते हैं कि अगर हम अपना वोट किसी नुमाइंदे को डाल रहे वो हमारे लिए काम करे, डेवलपमेंट के लिए काम करे। यहाँ पे जो है बेरोजगारी ज़्यादा से ज़्यादा है, आज आप देख सकते हैं कश्मीर में स्पेशली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है राजपुरा, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें बने, हॉस्पिटल्स बने, जो हेल्थ सेक्टर है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए और बेरोजगारी को जो है टैकल किया जाए। इसलिए हम आज यहाँ पे वोट डालने के लिए आए हैं। हम पूरा यकीन रखते हैं कि हमारे जो नुमाइंदे यहाँ से जाएंगे असेंबली में, हमारी बात करेंगे, हमारे ही हक के लिए वहाँ पर बात करेंगे, तो इसलिए हम आज यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। लोगों को मौका मिला वोट डालने के लिए, लोग बड़े शौक से सुबह 7 बजे से लाइन में लगे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं। आज 10 साल के बाद बड़ी बेसब्री से लोग कोशिश कर रहे हैं अपना गवर्नमेंट बनाने के लिए, क्योंकि लोगों को बड़ी परेशानी है, लोगों को कुछ ना कुछ तो इसका फायदा मिलेगा अपना नुमाइंदा चुनने के लिए। तो लोग घरों से सुबह 7 बजे 6:30 बजे से लाइन में लगे हैं, लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं अपना नुमाइंदा चुनने के लिए। खुशायंद बात है कि 10 साल बाद अब यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, कि मसाइल हो रहे हैं समाज में, बहुत सारे मसाइल होते हैं, सड़कों का मसला होता है, पानी का मसला होता है, बहरहरी का मसला होता है, तो इस सिलसिले में मैं यहाँ अपना वोट कास्ट करने के लिए आया हूँ, ताकि आवाम का एक बेहतरीन नुमाइंदा सामने आए जो लोगों के मसाइल का अच्छी तरह से और सही ढंग से उन मसाइल का उजागर करे वहाँ असेंबली में जाके, और लोगों के मसाइल का हल ढूंढने की सही भरपूर कोशिश करे, और यही मकसद है। और इससे मुल्क आगे और तरक्की और खुशहाली आती है समाज में, लोगों में खुशहाली आती है, मुल्क आगे जाता है, और तभी लोगों के जो बहुत सारे मसाइल होते हैं वो हल करने में बहुत मदद मिलती है। क्योंकि आज 10 साल के बाद हमने आज वोट डाला है, ये बहुत खुशी की बात है, और हम इस दोरुशाबाद के लिए तरक्की चाहते हैं। जो भी नुमाइंदा होगा जिस पार्टी का होगा, लेकिन हम बहुत तरक्की चाहते हैं अपने डोरू के लिए और लोगों के लिए, गरीबों के लिए। अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ उथल पुथल थी, कोई किसी की सुनता नहीं था, तो आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ बेटरमेंट होगा पूरे शाहबाद के लिए, पूरे आवाम के लिए। मुंबई में लालबाचा राजा की विदाई हो गई। गिरेगांव चौपाटी में इस खास मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। अगले बरस बप्पा के जल्दी आने की कामना के साथ लोगों ने उन्हें विदा कर दिया। बप्पा की प्रतिमा को एक खास नाव से समुन्द्र में ले जाया गया। यहां पूरे विधि विधान के साथ प्रतिमा का विसर्जन किया गया। विसर्जन के दौरान हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे गूंज रहे थे। देश के अलग अलग हिस्सों में गणपति विसर्जन का सिलसिला आज भी जारी है। हैदराबाद में भी आज बड़ी संख्या में गणपति प्रतिमा का विसर्जन किया गया। मंगलवार को बप्पा को धूमधाम से विदाई दी गई। मुंबई की सड़कों पर इसका अलग ही रंग देखने को मिला। बप्पा के अलग अलग रूपों की आखिरी झलक पाने के लिए, इनका आशीर्वाद लेने के लिए लोग घंटों लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए नजर आए। वहीं विघ्नहर्ता की शोभा यात्रा के दौरान भले ही सड़कों पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ नजर आई, लेकिन वो अपना कर्तव्य निभाते भी नजर आए, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। भव्य, अद्भुत और अलौकिक, ये वो आस्था का सैलाब है जो मंगलवार को मुंबई की सड़कों पर उमड़ा। गुलाल उड़ रहे हैं, वाद्य यंत्रों की झंकार है, गणपति बाप्पा मोरिया की गूंज है।
पांव में धड़कन है, मन पापा के प्रेम में मगन झूम रहा है, क्योंकि विघ्नहर्ता की विदाई है, पापा जा रहे हैं। अगले बरस आने का वादा लेकर भक्त उन्हें विदा कर रहे हैं। पूरे धूमधाम से, पूरे उत्साह से बापा जाएंगे, तभी तो अगले बरस जल्दी आएंगे। पर विघ्नहर्ता की विदाई से पहले मन भारी है, इसीलिए तो कोई जी भर कर उनकी मूर्ति को निहार रहा है, तो कोई उनके कानों में अपने मन की बात कह रहा है। बापा 10 दिन तक लोगों के घरों में, पंडालों में विराजे, उत्सव सा माहौल था। गणपति बापा मोरिया की गूंज थी, बापा के दरबार में रौनक थी। अब वो जा रहे हैं तो उनकी विदाई भी उसी धूमधाम से हो रही है। मंगलवार को जब विघ्नहर्ता गणेश की शोभा यात्रा निकली, तो मानो सड़कों पर जनसैलाब उमड़ आया। विघ्नहर्ता के अलग अलग स्वरूपों को देखने के लिए लोग घंटों कतारों में खड़े रहे, भीड़ के साथ साथ चलते रहे। इस मौके पर मुंबई के प्रसिद्ध गणपति पंडालों की गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। चाहे लालबाग के राजा की प्रतिमा हो या फिर गणेश गली के राजा की प्रतिमा हो, पूरे रास्ते लोगों ने बड़ी बड़ी मालाओं और फूलों की बारिश कर बापा को अगले बरस जल्दी आने के लिए विदाई दी। इस दौरान एक सुकून भरी तस्वीर भी देखने को मिली। देखने को मिला कि बापा के प्रेम में मगन भक्त अपना कर्तव्य नहीं भूले। दरअसल एक एम्बुलेंस को उसी सड़क से गुजरना था जहां से विघ्नहर्ता की शोभा यात्रा निकल रही थी, लेकिन जैसे ही लोगों की नजर एम्बुलेंस पर पड़ी, सब ने पीछे हटकर एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया, ताकि उसमें मौजूद मरीज को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। सबसे भव्य तस्वीर दिखी लाल बागचा राजा के दरबार की, जहां अपने मन्नतों के राजा की आखिरी झलक के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। रंग गुलाल उड़े, ढोल नगाड़े बजे, और अगले बरस तो जल्दिया की गुहार के बीच बापा नगर भ्रमण के लिए निकले। इस नजारे को जिसने भी देखा देखता रह गया। लाल बागचा राजा की मूर्ति को नगर भ्रमण में करीब 24 घंटे लग जाते हैं। ऐसे में पूरी रात मुंबई के अलग अलग इलाकों से उनकी शोभा यात्रा गुजरी, जहां उनकी एक झलक के लिए लोग कतारों में खड़े नजर आए। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और देव कोटक के साथ सौरभ बख्तानिया, गुड न्यूज टुडे। यूपी आने वाले पर्यटकों के लिए अयोध्या टॉप टूरिस्ट प्लेस बन गया है। पिछले 7 महीने में यहां रिकॉर्ड 12 करोड़ श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। खास बात यह है कि ये संख्या काशी और मथुरा से कई गुना ज्यादा है। भव्य राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। दुनिया भर से लोग रामलला के दर्शन के लिए यहां आ रहे हैं। मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। हर रोज देश और दुनिया से आए हजारों की तादाद में श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं। खास बात तो ये है कि राम का ये पावन धाम अब यूपी आने वाले पर्यटकों के बीच लोगों की पहली पसंद बन गया है। आंकड़ों की माने तो पर्यटन विभाग के मुताबिक पिछले 7 महीनों में काशी, मथुरा और प्रयागराज के मुकाबले सबसे ज्यादा पर्यटक अयोध्या आए हैं। पिछले 7 महीनों का आंकड़ा देखें तो अयोध्या में 12 करोड़, तो काशी में करीब 6 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। वहीं मथुरा में 5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए। प्रयागराज में भी करीब 5 करोड़ सैलानी पहुंचे। अयोध्या में एक अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है पर्यटकों की संख्या में। इस साल के शुरुआती 7 महीनों के आंकड़े अभी तक हमने कंपाइल करे हैं और लगभग 12 करोड़ के आसपास टूरिस्ट हमारे पास में अयोध्या में आए हुए हैं। इसके अतिरिक्त मथुरा, प्रयागराज और वाराणसी, यह भी एक बहुत बड़े पर्यटक गंतव्य के रूप में उभर करके आ रहे हैं। पिछले साल वाराणसी में 10.5 करोड़ लोग आए थे और अभी तक शुरुआती 7 माह में लगभग 6.25 करोड़ लोग आए हुए हैं वाराणसी। इसके अलावा मथुरा में लगभग 5.5 करोड़ और प्रयागराज में लगभग 5.25 करोड़ लोग प्रयागराज आए हुए हैं।
हालांकि सरकार का मानना है कि अयोध्या में पर्यटकों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की वजह यहां मूलभूत सुविधाओं का विकास है, जिससे देश विदेश से आने वाले सैलानियों या श्रद्धालुओं को रहने खाने से लेकर घूमने तक जरूरी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। अयोध्या में जिस तरीके से मूलभूत सुविधाओं का विकास किया गया है, सड़कें बहुत अच्छी हुई है, साथ ही साथ वहाँ पे लोगों के रुकने की सुविधाएं बढ़ी है, पार्किंग की सुविधाएं बढ़ी है, चौराहे आप देखेंगे वो बेहतर हुए हैं और पूरा का पूरा जो एक एटमॉस्फियर है वहाँ पे बहुत ही अच्छा हुआ है। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, इस पर जन सुविधाओं में बहुत अच्छी वृद्धि हुई है, विकास हुआ है। तो ये जो विकास है उसकी गति के साथ ही साथ लोगों में खासतौर पे पूरे देश और विदेश से बहुत सारे विदेश से लोग आ रहे हैं। बहरहाल यूपी सरकार अयोध्या धाम के टॉप टूरिस्ट प्लेस बनने से खुश है। वो भी क्यों ना, इससे न सिर्फ अयोध्या दुनिया के नक्शे पर छा रहा है बल्कि इकोनॉमी को भी रफ्तार दे रहा है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां जानते हैं किसी महान व्यक्ति की कही बातें, देखते हैं आज का विचार। रतन टाटा कहते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ विशेष प्रतिभाएं होती हैं, इसीलिए सफलता पाने के लिए अपने गुणों की पहचान करनी चाहिए। और चलिए उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। फिर होगी आपसे मुलाकात लंच टाइम में ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।